चुका है। आप लोग को इसी कंसिस्टेंसी में ही इसको गूंथ लेना चाहिए। जब ये पूरा अच्छी तरह से गूंथ जाए तो आप इसको थोड़ा रेस्टिंग टाइम दीजिएगा। मैंने 5 मिनट्स को तक ऐसे ही इसको छोड़ दिया था। जब 5 मिनट्स हो गया तो मैंने हाथ में थोड़ा घी लगाया और फिर मैंने इसको गोल गोल लड्डू के तरह शेप बना लिया। आप लोग किसी और भी शेप में इसको बना सकते हैं, एक प्लेट में डाल के बर्फी के तरह काट भी सकते हैं, लेकिन मैंने लड्डू की तरह गोल बनाया और फिर मैंने उस रोस्टेड तिल में, वाइट तिल में इसको सहला लिया। देखिए, ये जब कोटेड हो जाए रोस्टेड तिल से तो ये बहुत ही अच्छा दिखता भी है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। एंड प्रोडक्ट इसका ऐसा दिख रहा है। देखिए, मैंने कुछ पीसेस को तिल में रोल करके ऐसा कोटिंग टाइप का लड्डू बनाया है और कुछ को पेड़े तरह से बनाया है और उसमें काजू बादाम का गार्निशिंग किया है। जब ये पूरा बन जाए तो फिर हम लोग फ्रीज में इसको 1 घंटे तक रखेंगे फॉर बेटर रिजल्ट। 1 घंटा हो चुका है, हमारा मिठाई भी बन के तैयार है। तो चलिए इसको प्लेटिंग करते हैं और राखी की तैयारी करते हैं। राखी का प्लेट भी सज चुका है, अब मेरे बेटे हाथ पे राखी बांधे। राखी बांधना तो हो गया और मेरा भाई जो अभी ऑफिस गया है उसको कॉल तो मैं रात में करूँगी। तो इसी बीच चलिए आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करते हैं। ये उस समय की बात है जब भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही जोर पकड़ चुका था। 19वीं सदी का समय था और ब्रिटिश राज को इस आंदोलन को दबाने का बहुत ही परेशानी हो रही थी। बंगाल तब मूवमेंट के पिक में था और उस समय बंगाल में गरम दल के लिए जाना जाता था, जो ब्रिटिश राज को बहुत परेशान करती थी। उस समय भारत माता के हर संतान को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हाथों में हाथ रखकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और ब्रिटिश को भगाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय इंडिया का गवर्नर था लॉर्ड कार्जन। जून 1905 को उन्होंने एक रूलबुक लाया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिमों को भारत और बिहार से अलग कर दिया जाएगा। हिंदुओं को रखा जाएगा वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, मुस्लिमों को असम और सिलेट में। ये रूल अगस्त 1905 को पास भी हो गया और अक्टूबर 16 तक इसको अफेक्ट में भी लाना था। तब श्रावण का महीना चल रहा था, देश अपनी रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे थे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसी का फ़ायदा उठाएं। उन्होंने देश भर के लोगों को बुलावा भेजा और कहा कि हम इस रक्षाबंधन में सिर्फ भाई बहन का प्यार नहीं, भाईचारा को बढ़ावा देते हैं।
इस बढ़ावे की बात को सुनकर देश भर के लोगों ने उनके इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने खुद भी भाई बहन हिंदू मुस्लिम सभी के साथ ये रक्षाबंधन को मनाया और इसी के कारण 1911 को ये जो रूल ब्रिटिश सरकार ने बनाया था उसको विथड्रॉ किया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ये डिवाइड एंड रूल काफ़ी दिनों बाद 1947 में जब भारत की आज़ादी हुई उस समय लाया और हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग कर दिया। हमारे देश के और एक कवि ने गाया है, एकी बृंते दुटी कुसुम हिंदू मुसलमान, यानी एक ही देश में हम लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं भाई भाई की तरह, लेकिन इसका रूट तो एक ही है, हमारा हिंदुस्तान जो सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है और हमको इस अखंड भारत को जिए रखना है। तो आप लोगों का आज का कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कर देना, ये आप लोग हमेशा भूल जाते हो लाइक करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को आगे की वीडियो देखने के लिए। तो ये देखिए, मेरे बेटे को अभी सोना है तो मैं उसको सुला दिया खिला के। अभी मैं मेरे भाई से बात कर रही हूँ, रात काफ़ी हो गई है, तो आज का राखी का दिन हमारा ऐसा ही गया। अब बातें करने के बाद हम लोग भी खा पी के सो जाएंगे। आशा करते हो आप लोगों का भी राखी का दिन बहुत ही अच्छा गया है। चलिए, आज का सारा काम हो गया। आज सबका काम करते हुए भी पता नहीं मन में एक दुख सा हो रहा है। पता है जब मैं छोटी थी ना, हम लोग तो बंगाली हैं, लेकिन बंगालियों में राखी से ज़्यादा भाई फोटा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, भाई बहन का वो दिन होता है। फिर भी मैं बचपन से ही ना राखी के दिन सुबह उठ के नहा धो के मेरे भाई जो मेरे कज़न ब्रदर है हमारे पास में ही रहता है, उसको राखी बांधने के लिए जल्दी जल्दी घर से निकल के तैयार होके उसके घर में चली जाती थी। हाथ में राखी बांध के फिर ही मैं या तो ऑफिस जाती थी, स्कूल कॉलेज जाती थी। तो आज का सिचुएशन देखो, वो कितना दूर है, ऑफिस गया है। मन में एक ये होता है कि इसी पैंडेमिक के सिचुएशन में उसको ऑफिस जाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, यही जीवन है। तो सबके लिए सब कुछ किया, फिर भी मन में एक एहसास होता, काश वो पास होता, उसके हाथ में मैं खुद राखी बांधती। उसने फोटो भेजा है, आपने तो देखा, मैंने उसको कॉल भी किया था, रात हो गई है। जब सबका राखी ख़त्म हो गया तब मैंने उसको कॉल किया, उसको टाइम मिला। काश वो पास होता, उसके हाथ में राखी बांधती मैं। कोई बात नहीं, जीवन ऐसा ही चलता रहता है, हम लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। जो अगले साल आने वाला है राखी, उसको ज़रूर धूमधाम से मनाएंगे। तो आप लोग कहना कि आप लोगों ने कैसे अपना राखी को सेलिब्रेट किया, मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखना। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है, एक लाइक ज़रूर करना। और मुझे पता है आप लोगों के जो घर के फैमिलीज है, मम्मी पापा जो घर में रहते हैं, उन लोगों को व्लॉग देखना पसंद है, तो मेरे इस चैनल को उन तक ज़रूर पहुंचाना, ताकि उनका भी प्यार मुझे मिल सके। और आप लोग जब प्यार देते हो ना, एक लाइक करते हो, तब और भी अच्छा कंटेंट बनाने का एक जज्बा जगता है मन में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।